नमस्कार, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं जज्बात 24। चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। दिल्ली में G20 आयोजन के बीच मणिपुर के 5 जिलों में कर्फ्यू, कांग्रेस बोली फेल हो गई डबल इंजन की सरकार। हिंसा प्रभावित नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट यानी उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुर के 5 संवेदनशील जिलों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। यह राज्य बीते 4 महीने से नस्लीय हिंसा की घटनाओं से जूझ रहा है। गुरुवार यानी 7 सितंबर 2023 से देश में 3 दिवसीय समिट के लिए विदेशी मेहमान आने शुरू हो जाएंगे। इसी बीच देश के उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुर के 5 संवेदनशील जिलों में कर्फ्यू लगाए जाने की घटना का कांग्रेस ने विरोध किया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा, मणिपुर में मोदी सरकार की डबल इंजन सरकार फेल हो चुकी है। जयराम रमेश ने एक ट्वीट में कहा, G20 नई दिल्ली में हो रहा है जबकि इंफाल घाटी के सभी 5 जिलों में अगले 5 दिनों के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया है। 4 महीने बाद भी हिंसा का दौर जारी है, लेकिन मोदी सरकार की डबल इंजन सरकार के लिए मणिपुर में हालात सामान्य हैं। मणिपुर में क्यों लगाया गया कर्फ्यू? प्रशासनिक अधिकारियों की माने तो मणिपुर के 5 घाटी जिले में एहतियातन कर्फ्यू लगा दिया गया है। उन्होंने बताया कि चूड़ाचांदपुर से कुछ किलोमीटर दूर बिष्णुपुर जिले के फोगा कचाव इकाई में कोऑर्डिनेटिंग कमेटी और मणिपुर इंटीग्रिटी यानी COC OMI और उसकी महिला इकाई ने बुधवार यानी 6 सितंबर 2023 को सभी घाटी जिलों के लोगों से सेना के एक बैरिकेड को हटाने के आह्वान के नाम मद्देनजर बिष्णुपुर, काक्षिंग, थौबल, इंफाल वेस्ट और इंफाल ईस्ट में कर्फ्यू के घंटों में दी गई ढील समाप्त कर दी गई है। क्या बोले मणिपुर के सूचना और प्रसारण मंत्री? मणिपुर के सूचना और जनसंचार मंत्री सपम रंजन ने कहा, सरकार ने COC OMI से 6 सितंबर को तोरबुंग के पास फोगा कचाओ इकाई में सेना के बैरिकेड पर धावा बोलने की प्रस्तावित योजना को वापस लेने की अपील की है। सपम ने सभी से सरकार के उठाए गए सुरक्षा कदमों का समर्थन करने का भी अनुरोध किया। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य, बिजली, PHED, पेट्रोल पंप, स्कूल, कॉलेज, नगर पालिका, मीडिया और अदालत जैसी आवश्यक सेवाओं से संबंधित व्यक्तियों और हवाई यात्रियों को कर्फ्यू के दौरान आवाजाही की छूट दी जाएगी। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए जज्बात 24।